तरीके से हम ये ऐसा देखते हुए कि हमने ये दो वीडियो, ये मेरा थर्ड वीडियो होगा और मैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ा रहा हूँ और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में मैंने दो कंडीशन को एक्सप्लेन किया है हमने। आप देख रहे हैं दो कंडीशन हमने पहले से एक्सप्लेन किया है। कंडीशन फर्स्ट है, आप सॉलिड के बारे में सब लोग जानते हैं, यहाँ हमने एक सॉलिड लिया है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, इसका क्लासिफिकेशन हमने बता दिया है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जो लोग नए तरीके से आए हैं, वो हमारा फर्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड है और सेकंड में ये बाकी दो जो है कंडीशन, दो कंडीशन को हमने एक्सप्लेन किया था और दो कंडीशन के एक्सप्लेन के बाद कुछ इस टाइप से फिगर्स आए थे, है ना। थर्ड का मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, एक दो क्वेश्चन भी करवाऊँगा आपसे। तो हमने एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म लिया। रेक्टेंगुलर प्रिज्म का मतलब ये है कि आप जस्ट ऐसा समझिए कि ये हमने बुक हम देख रहे हैं, ये क्या है रेक्टेंगुलर शेप में, इसका कैसा शेप है रेक्टेंगुलर शेप, टॉप फेस कैसा है, ये भी एक रेक्टेंगल के फेस में, ऐसे ही बॉटम है। तो कुछ इसी को हम एग्जांपल लेते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया था। तो दो कंडीशन में, पहला कंडीशन है एन एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज परपेंडिकुलर। अब इसमें एक्सिस कौन सा होगा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं आप इसको सोचेंगे समझेंगे। ये इसका हमने माना टॉप फेस, ये बॉटम फेस, इसका डायगोनल्स, टॉप फेस का डायगोनल्स जहाँ पे कट करता है, अब बॉटम फेस का डायगोनल जहाँ पे कट करता है, दोनों को मिला देंगे तो वो हो जाएंगे क्या एक्सिस, एन एक्सिस ऑफ द सॉलिड परपेंडिकुलर टू वन प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन कौन कौन से होते हैं, एक एच पी होता है और एक बी पी होता है। एच पी से कैसा, अगर मान लिया जाए कि ऐसे रखे हुए तो नीचे का जो सरफेस है ऐसे, इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा होगा, वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, एन एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज परपेंडिकुलर टू वन प्रिंसिपल प्लेन, यहाँ एच पी लिख दिया। मे भी ये हो सकता है कि बी पी से भी परपेंडिकुलर हो, कैसे, जब ये ऐसे रखा हो, मतलब इसको टॉप फेस ये मानेंगे, बॉटम फेस ये मानेंगे पीछे वाला। तो अभी हमने इस कंडीशन में रखा है, तो इस कंडीशन में टॉप फेस ऊपर है, एच पी के परपेंडिकुलर एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू वन प्रिंसिपल प्लेन एच पी एंड पैरेलल टू अनदर प्रिंसिपल प्लेन, इसमें हम ये कर सकते हैं वी पी। एच पी अगर यहाँ वी पी से परपेंडिकुलर होता है पहले, तो एच पी से पैरेलल होता, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, एक में दो कंडीशन है किसके, एक्सिस का, एक से परपेंडिकुलर दूसरे से पैरेलल। हम एक्सिस को क्यों रखते हैं, क्योंकि सॉलिड में डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एजेज होते हैं, तो एक इस किसी पार्टिकुलर एज के बारे में बात करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सॉलिड में एक ही एक्सिस होता है, तो एक एक्सिस के बारे में हम बात आसानी से कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है इसी एक्सिस को, जो एक्सिस किसी भी पार्टिकुलर प्लेन से परपेंडिकुलर हो, आप किससे परपेंडिकुलर है, एच पी से, मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस है, ये इससे कैसा है, ये परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले हम उसी से इंक्लाइन करेंगे। समझ में आ रहे हैं, मतलब एक्सिस को इंक्लाइन करने के लिए हमें पूरे होल सोल बॉडी को, पूरे सॉलिड को हमें क्या करना होगा, इंक्लाइन करना होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे। तो दूसरा कंडीशन है एन एक्सिस ऑफ द सॉलिड इंक्लाइन टू वन प्रिंसिपल प्लेन, अब किस पे था, कौन सा प्रिंसिपल प्लेन पे परपेंडिकुलर था, एच पी पे था, जब ये एच पी पे था तो हमें एच पी से इंक्लाइन करना है, तो हमने क्या किया, एच पी से इंक्लाइन कर दिया, वन प्रिंसिपल प्लेन एच पी एंड पैरेलल टू ना दूसरे से वैसे ही रहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक प्लेन है और सॉलिड है, और इस सॉलिड को हमने क्या किया, एच वी पी से पैरेलल, वी पी से पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये एक्सिस मान लीजिए यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसको कैसे भी ऐसे रोटेट कर दिए, डिस्टेंस अभी सेम है, जब तक डिस्टेंस सेम है एक्सिस का डिस्टेंस इस पॉइंट से, तब तक ये कैसे क्या होगा, पैरेलल होगा, किससे पैरेलल होगा, सामने वाली प्लेन मतलब वर्टिकल प्लेन से। समझ में आ रहे हैं, अब ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में हमें क्या दिखना है, तो सबसे पहले कंडीशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहला कंडीशन ये था कि हमें यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, इसको फ्रंट व्यू से देखा, तो हमें फ्रंट व्यू से यहाँ दिखाई दे रहा है, टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें नीचे दिखाई देगा, नीचे वाले को हम रोटेट कर देते हैं तो ये यहाँ दिखाई देंगे, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, समझ में आ रहे हैं। तो ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ठीक है। इसका मीनिंग और भी समझ लीजिए, अगर ये कैसा है, ये फ्रंट व्यू है, मतलब ये फेस दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर भी ये बाकी भी है यहाँ पे, जो कुछ छुप गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से अगर देख रहे हैं इस वाले फेस को, ये जो
फ्रंट व्यू है, अगर इसको टॉप से देखेंगे, यहां से क्या है टॉप से ठीक है देखेंगे तो हमें ये क्या कौन सा पार्ट इसका दिखाई देगा, ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है ठीक है। और ये पार्ट कहाँ दिखाई देंगे, एचपी पे, तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट दिखा रहा है। दूसरा कनेक्शन, इसी को देखने का तरीका समझिए, ये ऐसा रखा हुआ है मतलब, तो हम कहाँ से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, मतलब इधर से देखेंगे तो इसका ये पार्ट दिखाई देगा, कौन सा ए ई एफ बी, और ए ई एफ बी कहाँ है, ए ए ई एफ बी ये दिखाई दे रहा है। नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर हमने समझाया था कि कैसे हम नोमेन नेमिंग करेंगे, ये सब आप पुराने वीडियो में, जस्ट पहले वाला वीडियो है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा कंडीशन है कि ये एक्सिस ऐसा रखा हुआ है, इसको हमें इंक्लाइन करना है, किससे इंक्लाइन करना है, एचपी से इंक्लाइन करना है। जब हमें एचपी से इंक्लाइन करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस एक्सिस को हमें इंक्लाइन करना है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, जितना चाहे हम कर सकते हैं, अंडर 90 डिग्री ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्लाइन करेंगे इस तरीके से। अब जैसे कि हमें मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये सभी आपस में पैरेलल है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि किसी एक को हम क्या करेंगे, अगर हम इंक्लाइन करेंगे तो सभी के सभी इंक्लाइन हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको इंक्लाइन करना है, तो मान लीजिए हमने इसको यहाँ से हमने एंगल ले लिया, ये इसको एंगल ले लिया, कौन सा एंगल, थीटा एंगल ले लिया, तो ये इंक्लाइन हो गया करीब करीब, इसको भी मेजर करेंगे तो ये थीटा एंगल ही होगा, ये सभी थीटा एंगल से इंक्लाइन हो गया। इंक्लाइन होने के बाद हम ये देखते हैं कि एचपी से कैसा है, ये एचपी से ये एंगल इंक्लाइन है, वीपी से कैसा एक्सिस है, पैरेलल है, यहाँ देखिए वीपी से कैसा है, पैरेलल है, इससे ये पैरेलल है, और इसके रिस्पेक्ट में ये देखेंगे तो कैसा है, ये इंक्लाइन है, ये सेकेंड कंडीशन का है, कंडीशन सेकेंड का है, ये सेकेंड कंडीशन का सेकेंड स्टेज प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट स्टेज में हमने यहाँ देखा फर्स्ट कंडीशन में। तो अब हमें ये देखना, ये पहले फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या लिखा हुआ था, एचपी से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इससे नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर, और वर्टिकल से कैसा है, वर्टिकल से कैसा है, पैरेलल है, पैरेलल मतलब यहाँ से सेम डिस्टेंस पे एक्सिस के ईच पॉइंट का, देखो अब ये ऐसे दिख रहा है, मतलब यहाँ से पूरे के पूरे डिस्टेंस अभी सेम है, तो दोनों कंडीशन को क्या कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए क्या है, एन एक्सिस ऑफ द सॉलिड इंक्लाइन टू बोथ ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स, एच पी एंड बी पी दोनों से क्या हो जाएंगे, इंक्लाइन हो जाएगी। हमने दूसरे कंडीशन में ऑलरेडी एच पी से इंक्लाइन कर ही दिया है, तो हमें क्या करना होगा, वर्टिकल प्लेन से इसको इंक्लाइन करना होगा। अब एच पी से तो इंक्लाइन है ये, इसको इंक्लाइन करना है, ये थीटा डिग्री से इंक्लाइन है, इसको हम 5 डिग्री से हम क्या करेंगे, इंक्लाइन कर देंगे। तो इस पार्टिकुलर एक्सिस को इंक्लाइन करने के लिए इस पूरे शेप्स को हमें क्या करने होंगे, इंक्लाइन करने होंगे। तो मान लीजिए इसको हमें 5 डिग्री से हमें इंक्लाइन करना है, किसको इंक्लाइन करना है, एक्सिस को करना है। और यहाँ दूसरी बात सोचने वाली बात क्या है, एक्सिस का, एक्सिस के साथ इंक्लाइन करने के लिए एक्सिस के पैरेलल और कौन कौन से लाइन है, तो हमें ये लाइन्स दिखाई दे रहे हैं, ई और बी तक का डिस्टेंस, एच और सी तक का डिस्टेंस, ये सभी के सभी क्या है, पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है। और जब ये पैरेलल है तो मतलब किसी एक को हम इंक्लाइन करेंगे, एक्सिस ऑलरेडी इंक्लाइन हो जाएगा, मतलब होल सोल बॉडी को हमें इंक्लाइन करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसी में से किसी एक को इंक्लाइन कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रोसीजर है कि इंक्लाइन करना और फिर उसका प्रोजेक्शन, अगर हमने इंक्लाइन कर दिया, अच्छा इसमें भी ऐसे ही मीनिंग समझिए, हमने इसको इंक्लाइन किया था, अब हम इसको टॉप से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, टॉप से, फिर से अगेन व्यूअर्स हैं तो हम देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो हमें कौन कौन सा दिखाई देगा, हमें ए डी एच ई ये दिखाई देगा, देखिए यहाँ सॉरी ए ए डी एच ई ये पूरे के पूरे फेस हमें दिखाई देंगे ठीक है। दूसरा ए डी सी बी, ए डी सी बी ये दिखाई देंगे, और जो नहीं दिखाई देंगे वो कौन सा होगा, बी सी जी एफ एफ, सबसे नीचे वाला बी सी, यहाँ से बी सी और जी एफ, ये नीचे का पोर्शन नहीं दिखाई देता है, क्यों, ये ऊपर वाले लाइन से वो ढक जाते हैं, लेकिन ये ढका हुआ तो लाइन के ऊपर लाइन है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, वैसा ही ये जो क्लियर व्यू है कौन सा, यहाँ पे देखिए एफ और जी, ये इस टाइप से शेप में है और ये नहीं दिखाई देंगे, इसके ऊपर कोई दूसरा लाइन नहीं, तो यहाँ देखिए अगर ये लाइन बन रहा है एफ और जी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग,
डैश डैश लाइन से उसको शो करेंगे। पहले भी बताया हूँ एक्सिस को हम लोग डैश डॉट से डिनोट करते हैं, और जो हिडन लाइन होता है वो लाइन जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डैश डैश लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं थर्ड कंडीशन को। हम लोग एक्सिस को क्या करेंगे, वीपी से इंक्लाइन करेंगे, वर्टिकल प्लेन, वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट माना था वीपी ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे है, तो वीपी से इंक्लाइन करना, वीपी से ऐसा करना वैसा करना कहाँ करेंगे, सभी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करेंगे। वीपी से कुछ भी होगा, वीपी के रिस्पेक्ट में कुछ भी करते कहाँ करते हैं, एचपी पे, एचपी के रिस्पेक्ट में हमें कुछ भी करना होता तो कहाँ करते हैं, वर्टिकल प्लेन पे। तो हमें भी क्या करना है, वर्टिकल प्लेन से हमें इंक्लाइन करना, तो कहाँ करेंगे हम लोग, एचपी पे। तो एचपी पे कौन सा फिगर है, ये सेकेंड स्टेज का, ये प्रॉब्लम उठाएंगे और इसको हम इंक्लाइन करेंगे। करने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये एक्सिस के नज़दीक में ये लाइन्स है, कौन सा एच सी वाली लाइन है, एच सी लाइन को सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक क्या करते हैं, एक जनरल प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इंक्लाइन लाइन, हमने यहाँ पे एक फाई एंगल ले लिया। ठीक है, ये फाई एंगल ले लिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच और सी का डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं, वैसा लेकर रखेंगे जिससे ओवरलैप ना हो। तो हमने ये थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया यहाँ से, और एक पॉइंट मार्क करते हैं यहाँ पे, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे हम मार्क करते हैं एच पॉइंट, एच पॉइंट, ये एच है, एच वन है वैसे, है ना, एच वन ले लिया। इसके बाद डिस्टेंस हम कट कर लेंगे, कौन सा सी, एच से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से मेजर करेंगे, आपके पास में कंपास होगा, कंपास से आप मेजर कीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इस पर मार्क कर लीजिए। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सी वन, समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर देखिए एच सी से ये एच ई लाइन है, ये कैसा है, ये जस्ट परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन। आप लोग के पास में कंपास होंगे, प्रोटेक्टर होंगे, आप मेजर करके 90 डिग्री ही ड्रॉ करना, जैसा दिख ऐसा। और H से लेकर के E का कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम कंपास की सहायता से मेजर करेंगे, और इतना ही ये भी होगा, और दोनों तरफ क्या करेंगे इसमें मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे मार्क कर लेंगे, ये हमने मार्क कर लिया। और इसको मिला के हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे। ठीक है, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, क्या क्या नाम है यहाँ पे, यहाँ पे E1 नाम है, इधर है B1 नाम है। तो इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट बच गए इसमें, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, देखिए G और F है, D और A है, और ये पार्टिकुलर पोजीशन है किसका, एक्सिस का पोजीशन। तो पहले जो पॉइंट है उसको ड्रॉ करते हैं, वो कैसे करेंगे, H से लेकर के G तक का डिस्टेंस लेंगे और मार्क कर लेंगे यहाँ पे, ये H से लेकर के D तक का डिस्टेंस लेंगे और इस पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इस पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और यहां से जस्ट परपेंडिकुलर लाइन था दोनों को, दोनों अगर यहां से देखें तो परपेंडिकुलर है, जिसमें हिडन है उसमें, ये सारा काम पहले आप 4H पेंसिल से किया कीजिए बिल्कुल लाइटली, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जहां पे हमें डार्क करना है डार्क करेंगे, जहां से डैश डैश लाइन बनाना है वहां डैश डैश, इसे इस पर डैश डैश बनाना है, जैसे इस पर डार्क करना है तो डार्क कर लेंगे। नेमिंग जैसा है, एच और सी के बीच में सबसे पहले क्या, इधर D1 है तो इधर D1 लिखेंगे, इधर A1 है इधर A1 लिखेंगे, यहाँ F1 है F1 लिखेंगे, यहाँ G1 है G1 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या रिप्रेजेंट करना बाकी रह गया, एक है एक्सिस लाइन, एक्सिस लाइन का डिस्टेंस सबसे पहले इसके मिडिल पोर्शन में है ना, मिडिल पोर्शन में एक लाइन पास कर रही है, तो हम मिडिल पोर्शन में लेकर एक लाइन पास कर देते हैं और उसमें फिर डिनोट कर देंगे एंड, कितना डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करते हैं इधर, और इधर भी इतना ही होगा, ये डिस्टेंस हो गया। ये दो पॉइंट हैं, इसके बीच में क्या है, एक्सिस है, तो एक्सिस को डैश डॉट से हम लोग डिनोट करेंगे।
ऐसे कि हमने डिनोट कर दिया, मतलब इस ये जो हमने बनाया है इसका जस्ट रिप्लिका कर सकते हैं, वहां हमने बना दिया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इसका एक्सिस पैरेलल टू वीपी था और इसमें एक्सिस क्या हो गया इंक्लाइन टू, हमें लिखना यहां पे है इसके रिस्पेक्ट में, यहां से आप करके आप यहां लिख दीजिए फाई एंगल, क्योंकि शो करना है एक्सिस को, हम एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी फाई होंगे, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे भी फाई होंगे, लेकिन हमें उसको करना है। अब जब ये ऐसा हो गया तो हमें इस वाले की, हमने क्या किया इसको इंक्लाइन कर दिया, इसके बाद में इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू मतलब जब इसको यहां से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और वो कहां बनेगा, फ्रंट व्यू ऑलवेज कहां दिखाई देते हैं, वर्टिकल प्लेन पे, टॉप व्यू एचपी पे तो फ्रंट व्यू वीपी पे, हमें वर्टिकल प्लेन पे इसको बनाना है, इसका प्रोजेक्शन बनाना है कि कैसा दिखाई देगा, क्या करना होगा उसके लिए, वही जैसे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हम लोग करते हैं, यहां से जितने भी पॉइंट्स है, एट कॉर्नर्स है, सभी से हम क्या लेंगे, प्रोजेक्टर्स लेंगे ऊपर की तरफ वर्टिकल, और ये जो सेकेंड स्टेज का प्रॉब्लम है वीपी का, वीपी पे दिखाया जाए फ्रंट व्यू, यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स लेंगे और दोनों जहाँ पे मीट करेगा फिर हम पॉइंट ट्रेस करेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्टर्स ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टर्स, हमने ये प्रोजेक्टर्स ले लिया है, यहाँ से अगर देखा जाए जो हमारे पास में टॉप व्यू था वहाँ से डिफरेंट वर्टिकल प्रोजेक्टर्स लिए हैं, यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा था सेकेंड स्टेज का, यहाँ से हमने इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स लिए हैं। अब हमें इसमें जैसे इसमें फाइंड आउट किया था हमने, यहाँ भी फाइंड आउट करेंगे, ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट और ए पॉइंट जहाँ मीट कर रही है उस पॉइंट का नाम होगा वहाँ ए। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, यहाँ सबसे टॉप वाला ए पॉइंट है और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये सेकेंड लाइन दिखाई दे रहा है ए वाला है, तो यहाँ पे कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे ये ए हो जाएंगे। नेमिंग करते चलिए, डैश वन डैश ये सब हम बाद में करते कर लेंगे डिफरेंट स्टेज के हिसाब से। नेमिंग क्या है, ए है तो यहाँ ए लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे बी पॉइंट देखिए, सबसे नीचे वाला है, इसमें नीचे वाला बी पॉइंट है, यहाँ बी कहाँ है, ये सबसे साइड से पहले वाला है बी पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे तो ये इसमें हमें यहाँ पे मिल जाएंगे पॉइंट बी, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे लास्ट वाला सी है यहाँ पे, और बी वाले में यहाँ सी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी पॉइंट। फिर नेक्स्ट है डी पॉइंट, डी पॉइंट यहाँ देखेंगे ए वाले सबसे टॉप पे है और यहाँ ये लाइन है, तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या डी, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ई देखेंगे, सबसे पहले वाला है और यहाँ पे ई है ये टॉप वाले में, तो यहाँ ई पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है सबसे नीचे, जो कि एक्स वाई लाइन या रिफरेंस लाइन पे ही एफ और जी लाइन पास कर रही है यहाँ पे, तो एफ यहाँ पे देखेंगे ये लाइन गई रिफरेंस लाइन पे, यहाँ पे एफ। दूसरा कौन सा है, जी है, ये लाइन जी गई है एफ और जी इसी पे, तो यहाँ पे हो जाएंगे जी एफ और जी। और एच कहाँ है, ये इस पे है जो कि ई वाली लाइन पे ही है ऊपर में, यहाँ पे ई एफ जी और ये एच ई एफ जी एच, तो ये एट पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके अलावा हमें एक्सिस का लाइन देखेंगे, एक्सिस कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ मिडिल में, यहाँ पे एक्सिस है कौन सा, ई एफ जी एच बेस वाले फेस के हिसाब से, तो यहाँ पे एक एक्सिस यहाँ है और दूसरा एक्सिस होंगे वो टॉप वाले पे, यहाँ पे ये है, तो ये दो एक्सिस हैं, एक्सिस को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें अब इसमें यहाँ से हम देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं, तो कौन सा फेस दिखाई देंगे हमें, जब इस टाइप के सॉलिड फिगर आ जाए तो सबसे पहले हमें इसको कौन कौन से लाइंस को मिलाने हैं, कौन कौन से हिडन रहेंगे और कौन कौन से लाइन हमें दिखाई देंगे, तो एग्जैक्ट हमें ऐसे कैसे पता कर सकते हैं, इसका एक तरीका है। सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि जो आउटर सबसे आउट में, जैसे देखिए ए और डी के ऊपर ये लाइन, जैसे इसके ऊपर कोई पॉइंट है क्या, नहीं है, लेकिन इसके नीचे है, इसके नीचे है। अब जैसे मान लीजिए कि ए और एफ को मिलाना है, ठीक है, ए और फॉर एग्जाम्पल मान ली ए और एफ को मिलाना है, तो क्या इसके लेफ्ट में और राइट में कोई पॉइंट है क्या, अगर लेफ्ट और राइट दोनों में है तो उसको नहीं मिलाएंगे पहले, लेकिन अगर एक ही साइड में है तो हम उसको मिलाएंगे, जैसे कि ए और डी के एक साइड में दूसरे साइड में नहीं, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, ये हमने इसको मिला लिया।
अब देखिए ए और ई ऑरिजिनली मिलता है, हाँ ऑरिजिनली मिलता है, ए और ई, ए के जस्ट नीचे ई है, एक लाइन है और वो एक एजेज है, तो हम उसको मिला, हमें उसको मिलाना है। और इसके लेफ्ट में, बाएं साइड में, ऊपर साइड में अगर कहा जाए तो ऊपर में कुछ नहीं है लेकिन नीचे है, एक तरफ नहीं है खाली, इसलिए हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये इसको मिला देंगे पहले, एच ऊपर लिख देते हैं। फिर यहां से देखें, ई और एफ आपस में मिले हुए हैं, इसके पीछे कुछ नहीं, राइट साइड में एक तरफ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। एफ और जी के नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है, तो इसको भी मिला दें, एक तरफ है, मिला देंगे, यहां मिला दिया। जी और सी, जी और बी को तो नहीं मिला सकते, जी और बी को मिलाएंगे तो फिर नीचे इधर हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, लेकिन जी और सी एक्चुअल में मिला होता है क्या, देखिए सी के नीचे जी है, बी के नीचे एफ है, ये एक एज है, तो इसमें हमें इसको मिलाना है, और जी और सी क्या है, आपस में एक तरफ में इसमें लाइन्स हैं, दूसरे तरफ में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मिला देते हैं, किसको, जी और सी को स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम मिला देते हैं इसमें। ठीक है, इसको मिला देंगे। सी और डी आपस में मिला हुआ है क्या, यस सी और डी आपस में मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन से पॉइंट जो है वो है जो मीट नहीं कर रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे एच पॉइंट अभी ऐसा है, बी वैसा ही है, चलिए तो पहले तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, अब यहाँ हमें अपनी जो अपने आप में ऑप्टिमाइज करने की कैपेसिटी है, हम क्या है, हमें इसको समझना है। यहाँ देखने से इस पर्टिकुलर जो प्रिज्म है इसका कौन सा फेस दिखाई दे रहा होगा, कौन सा नहीं, जैसे अगर हम बात करें इधर से देख रहे हैं तो क्या आपको ए बी सी डी, समझ रहे हैं, ए बी सी डी जो ये कुछ इस तरीके से है, पहले हमने क्या किया था, ऐसे रखा था, फिर हमने क्या किया, ऐसे रखा, और फिर हमने क्या किया, ऐसे रखा, सामने से अगर देख रहे हैं तो क्या आपको ये वाले फेस दिखाई दे रहे होंगे, इसका नाम है ए बी सी डी, आपने रखा था टॉप में ऊपर में था, तो क्या ये दिखाई दे रहे होंगे सामने से, यस आप जहाँ देख रहे हैं वहाँ सामने से थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है ए बी सी डी, तो सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है उसको हम सराउंड कर देंगे, ये लाइन भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डार्क लाइन के थ्रू इसको हम मिला देंगे, तो ए से बी, बी से सी, तो बी अभी ए बी नहीं मिला हुआ, इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ए से बी को भी मिला देंगे, ए से बी, बी से सी, ठीक है, ऐसा समझिए। तो हमने अभी ऐसा था, इसको हमने क्या किया, ऐसे था, ऐसे मिला दिया। अब दूसरा कंडीशन ये है, क्या ये लाइन, ये फेस जो है ये दिखाई देंगे, और ये फेस कौन सा है, ए और बी, तो यहां था ई और एफ, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, यहां देखिए ए बी मिला हुआ है, ए बी एफ ई और बी से एफ ई, ए बी बी से एफ ई, ए बी एफ ई ए, मतलब ए बी एफ इसको मिलाना होगा, ऐसे समझ में आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। ये जो थ्री फेसेस हैं ये दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देंगे, बाकी रिमेनिंग नहीं दिखाई देंगे, क्यों, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे ए बी, ये सी डी, सी डी और यहाँ पे ई के पीछे है सी डी एच, ये डी, डी और एच लाइन आपको दिखाई देंगे क्या, नहीं दिखाई देंगे, तो D और H कहाँ है ये देखें, ये नहीं दिखाई देंगे, तो इसमें क्या करेंगे, बाकी जो भी है D और H इसको हम डैश डैश से मिला सकते हैं, यहाँ इसको डैश डैश से मिला देंगे, ऐसे ही ये पीछे वाला है H और G और H, इसको भी डैश डैश से मिला देंगे, और ये भी डैश डैश से मिला देंगे, तो इस तरीके से ये दिखाई देंगे। और इसमें एक और चीज़ बच गया क्या, एक्सिस, एक्सिस का ये पॉइंट है, लोकेशन हमने शो किया है, इसको डैश डॉट से आप मिला दें, ठीक है, कैसे, इस तरीके से, तो ये एक कंप्लीट प्रोजेक्शन बनेगा, कैसे, तीनों कंडीशन का। तो सॉलिड में बेसिकली हमें तीन कंडीशन के थ्रू स्टडी करना होता है, फर्स्ट कंडीशन में एक से परपेंडिकुलर, दूसरे से पैरेलल, एक से इंक्लाइन, दूसरे से पैरेलल, दोनों से इंक्लाइन,
ये तीन कंडीशन है, इसी तीनों कंडीशन के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कभी आपको क्यूब मिलेंगे या हम कह सकते हैं स्क्वायरल प्रिज्म मिलेंगे, कभी रेक्टेंगुलर प्रिज्म मिलेंगे, कभी ट्रायंगुलर प्रिज्म मिलेंगे, कभी पेंटागोनल मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ये क्वेश्चन करवाएंगे उसमें समझ आएंगे। इसके अलावे आपको पिरामिड आएंगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में आएंगे, तो डिफरेंट टाइप के जो भी आएंगे इसको हम करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, आप इसको समझिए, इसको नोट कर लीजिए और ये बहुत काम आएंगे आपके, क्योंकि जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है। एक और चीज़ को ख्याल रखना होगा कि जो फर्स्ट स्टेज का प्रॉब्लम होता है इसमें आप लोग पेंसिल वर्क कैसे करेंगे, पहले तो सारा काम देखिए, सारा काम पहले हमें करना है 4 इंच पेंसिल के थ्रू। जैसे ये जो प्रोजेक्टर्स लाइन है दिखना नहीं चाहिए, तो आप इसमें इस दोनों फिगर में 2H का यूज़ करें, ठीक है, ये कम लाइट कीजिए, यहाँ में आप H का यूज़ किए दोनों में, और जो फाइनल दोनों बनाते हैं उसमें एच बी यूज़ कीजिए, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डार्कनेस जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं।